बुरहानपुर जिले के नेपानगर नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटिल और सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान के बीच जमकर विवाद हुआ। अध्यक्ष और सीएमओ ने एक दूसरे पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ता देख सीएमओ केबिन से गुस्से में बाहर निकल गए। नगर पालिका सीएमओ सहित अन्य कर्मचारी नेपानगर थाने पहुंचे, जहां नेपानगर सीएमओ ने कर्मचारियों के साथ नेपानगर थाने पहुंचकर अध्यक्ष पति विनोद पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। मोदी साहब, आपको किस बात को लेकर विवाद हुआ है और अभी आप कहाँ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं जैसे ही अपने ऑफिस में चैम्बर में पहुँचा तो इनके द्वारा जैसे अध्यक्ष मैडम आई, उनके हस्बैंड आए, बहुत चिल्ला, आप लोग भी उस समय उपस्थित थे तो किस तरह से व्यवहार कर रहे थे, वो मेरे नज़दीक आके कुर्सी आके बदतमीजी करने लगे और बहुत अभद्र भाषा में बातें करने लगे, और जो भी है तो उनका लगातार ये न्यूसेंस लगातार क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनकी जितने भी गलत फाइलें हैं, जितने भी उनके गलत काम थे, मैंने उनको रोक दिया है, तो उनको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है कैसे करके मैं इसके साथ कुछ ऐसा सीएमओ के साथ कुछ ऐसा करूं ताकि ये विवाद क्रिएट हो, इसके साथ कुछ ऐसा हो। तो मैंने इनकी सारी फाइल जो गलत काम थी वो रोक दिए, इनको जितना इनका डीजल था मैंने वो बिल्कुल बंद कर दिया। आप इसका प्रूफ ले सकते हैं कि इनके समय डीजल कितना भुगतान था, मेरे पास 1,60,000 तक मैं ले आया हूँ, जबकि इनका दहाई जाए 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपये का भुगतान, वो रोका। इनकी जेसीबी चली है जिसकी ऑलरेडी जाँच है, उसके बाद भी फाइल पुटअप कर रहे हैं, जिस फाइल में पूर्ण रूप से साफ साफ स्पष्ट होता है कि वित्तीय अनियमितता हुई है, क्योंकि शासन का एक प्रोसेस है कि टेंडर होता है, टेंडर में इनके ही एक ही कंस्ट्रक्शन को ही सारे टेंडर जाते हैं और केवल सिंगल टेंडर डलता है। शासन का स्पष्ट नियम है किसी चीज में सिंगल टेंडर आता है उसमें दोबारा उसको विज्ञप्ति होती है, दोबारा उसको टेंडर निकलता है, लेकिन इनका एक ही टेंडर है उसी को पास कर दिया है। हमने आज यहाँ जब 2-4 दिन से 8 दिन से यहाँ सीएमओ साहब से काम के लिए चर्चा कर रहे, उस पर सीएमओ साहब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे और हर काम में अनियमितता पाई जा रही थी, उसके चलते हमने आज जब सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश की तो वो उठ के चले गए। क्या करा जाएगा आपके द्वारा अभी इस विषय को लेकर? अभी हम सब लोग 12 पार्षद सारे जमा होके बैठकर सारा डिसीजन लेंगे, उसके बाद जो भी होगा आप लोगों के संज्ञान में रहेगा।